नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी में मिली बड़ी सफलता। गुमला एसपी ने मुखबिर की सूचना के आधार पर की छापेमारी। चेकिंग अभियान के द्वारा अपराधियों को दौड़ाकर पकड़ा। गुमला एसपी एहतेशाम को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी उन्होंने की, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। रात के करीब 12:45 पर एसपी गुमला को गुप्त सूचना मिली कि उग्रवादी लूट की घटना को अंजाम देकर जा रहे हैं। रायडी थाना प्रभारी को जानकारी दी गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें रायडी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा अपने दल बल के साथ वाहन चेकिंग अभियान में लग गए। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन को रोकने पर अपराधी भागने लगे। सभी को दौड़ाकर पकड़ा गया और वैन में ले जा रहे लूट के सामान में एक देशी कट्टा, 7 कीपैड मोबाइल, 2 सेट उग्रवादी कपड़ा और गोली रखने वाला पाउच, लूट की गाड़ी 83 खस्सी को जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों को आर्म्स एक्ट और 17 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कुछ 15 लोगों द्वारा एक जो हमारा बोलेरो पिकअप होता है उसमें जो खस्सी लोडेड था उसको द्वारा इनके हथियार और डंडे से लैस होकर लूटा गया, जिसकी रिपोर्ट जो थाना हमारे 4321 जारी में कांड दर्ज हुआ। फिर आज रात्रि में 4 को करीब 1:45 पुलिस अधीक्षक के द्वारा सूचना मिली थी कि जो लूटा हुआ बोलेरो पिकअप है वो राइडी से की तरफ से गुजर रहा है, तो उसके लिए राइडी थाना प्रभारी द्वारा अपने ऑफिसर्स के साथ चेकिंग लगाई गई। उसी में हमने 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, जिसमें 2 जिंदा गोली, 2 कॉम्बैट यूनिफॉर्म, 2 पाउच और उसके साथ 83 बकरी और बोलेरो पिकअप जब्त किया गया है। और उनके जो 2 मेन इसके जो इनका मुख्य प्लान था, वो पहले PLFI में काम करते थे और वो उनका मेन मकसद इस घटना को अंजाम देकर कुछ पैसा इकट्ठा करना और दोबारा से हथियार खरीद कर अपना नया संगठन बनाने का रहा था। और इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड है सर? हाँ, इनके जो एक हैं अर्जुन यादव, इनमें से उसके खिलाफ पास्ट में 6 केसेस दर्ज हैं, जिसमें से CLA 70 लगा हुआ है उनके ऊपर और पहले भी वो 2-4 बार आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो चुके और ये अभी जेल से बाहर निकले थे 1.5 महीने पहले। शारिक आलम, गुमला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।